हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका एसके और आज हम बात करेंगे कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता था, ठीक है। ये मैं जब हल्दिया में था या फिर भी और कहीं जाता था तो वहाँ पूछा जाता था। ये पंप का सबसे प्राइमरी मतलब डैमेज होने का या खराब होने का, जो आई एम पीलर को खराब करने का, ये सबसे प्राइमरी रीजन है। अगर मैक्सिमम अगर कोई पंप खराब हो रहे हैं तो उसमें रीजन यही है कि कैविटेशन हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी पंप है अगर वो फुल्ली वर्क नहीं कर रहा है या फुल्ली प्रेशर नहीं दे रहा है या फिर फुल्ली हेड नहीं दे रहा है या फुल स्पीड नहीं दे रहा है तो वो आपका कैविटेशन एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आप कहूँ इंडस्ट्री में होते हो काम करिएगा तो जब पंप खराब होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कैविटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कैविटेशन पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो हम लोग अभी वीडियो में बताएंगे। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और पूरे वॉच कीजिए, तब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। नहीं तो एक मिनट देखिएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वीडियो कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कैविटेशन के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ पर दो डेफिनेशन बताएंगे। एक वो डेफिनेशन जो कि किताब में लिखा हुआ, जो हर लोग पढ़ते हैं, और वो डेफिनेशन जो बहुत ही आसान भाषा में आप समझिएगा कैविटेशन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैविटेशन के मतलब क्या होता है, हिंदी में नहीं समझते हैं। तो कैविटेशन के मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है या फिर कहूँ भी या एम्प्टी स्पेस है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा नहीं, कैविटेशन के मतलब बता दें, चाहे कोई एम्प्टी स्पेस है या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, मतलब खाली स्पेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। तो आते हैं वीडियो पर। The vapor pressure of liquid, the vapor pressure of the liquid is the pressure at which liquid particle converted into vapor at suction temperature in the suction line। तो बहुत ही सिंपल आसन है, जैसे कि ये आपका पंप हो गया, ठीक है, ये यहाँ गया और यहाँ गया, ये आपका हो गया क्या सक्शन है, देखिएगा ये क्या हो गया आपका सक्शन लाइन, ये हो गया आपका डिस्चार्ज लाइन। तो ये आपका मतलब नीचे रहता था, तो यहाँ से ले जाएगा यहाँ तक ले जाना आपको टाइम लगेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ हेड लगता है। हम बताएंगे कि एनपीएसएस घटाने के लिए क्या कंडीशन है। तो जो सक्शन लाइन में क्या होता है, सक्शन लाइन में आपका फ्लूड है, तो फ्लूड होगा तो लिक्विड होगा, फ्लूड मतलब लिक्विड है, तो लिक्विड है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा। हम बताएंगे कि अच्छा पहले हम वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। वेपर प्रेशर सिंपल है कि वेपर प्रेशर क्या है, मतलब कोई भी लिक्विड है, वेपर प्रेशर द प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट विच नहीं ऐसे नहीं, द प्रेशर ऑफ वेपर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब कोई भी लिक्विड है अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर या फिर लिक्विड एट विच इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल। तो ये जो सक्शन लाइन में इसका लिक्विड रहेगा तो उसका जो प्रेशर है तो वो कभी कभी क्या होता है, वो वेपर प्रेशर से नीचे चला जाता है, यानी वेपर प्रेशर नीचे चले जाने का मतलब है कि लिक्विड का जो वेपर लिक्विड का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से नीचे आ जाता है।
तो लिक्विड जो फ्लैश करने लगता है, फ्लैश करने कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड पार्टिकल है वो वेपर बनने लगता है, तो जब वेपर बनने लगता है तो आपका क्या होगा, ये लिक्विड जो है इधर से ये खींच नहीं पाता है, मतलब पंप नहीं कर पाता या फिर केसिंग के अंदर जा नहीं पाता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं कैविटेशन। वही मैं लिखा हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द प्रेशर एट विच लिक्विड पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू वेपर इन द एट सक्शन टेम्परेचर इन द सक्शन लाइन, या फिर दूसरे शब्द में लिखेंगे व्हेन द प्रेशर ऑफ सक्शन लाइन लिक्विड बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दिस कंडीशन नोन एज कैविटेशन, या इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं दिस फेनोमेना नोन एज कैविटेशन। अब बोलिए ऐसा क्यों कि हम, तो देखिए उसमें हम बताएं कि कोई भी लिक्विड है उसका ऑलरेडी जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर से नीचे जा चुका है, तो आपका क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो उसको हम बोलेंगे उस तरह के जो फेनोमेना हो गया तो उसको बोलते हैं कैविटेशन। और दूसरे शब्दों में ऐसे ही बात कर सकते हैं कि अगर लिक्विड का अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे आ जाता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। अब हम बात करेंगे कैविटेशन से क्या क्या होता है, मतलब कोई पाइप है कोई पंप है उसमें कैविटेशन हो गया तो हम क्या करेंगे या फिर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कैविटेशन लीड्स टू मैकेनिकल डैमेज। कभी कहने मतलब है कि कैविटेशन अगर होने लगता है तो उसका जो मैकेनिकल डैमेज, मतलब उसका जो इम्पेलर है, खासकर इम्पेलर है या फिर उसका जो जो सरफेस होता है केसिंग के अंदर, वो टूटने का चांस रहता है। ठीक है, ये हुआ मैकेनिकल डैमेज का। फिर बात करते हैं हम कि हम कोई पंप है उसमें कैविटेशन हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे, कैविटेशन अक्रेंस कैन बी नोटेड बाय इंक्रीज इन इनविजिट्स नॉइज एंड वाइब्रेशन। एज एयर बबल कोलैप्स loss of heat and efficiency of pump। So, हम लोग समझते हैं यहाँ पर, देखिए कैविटेशन से हमें बताया कि मैकेनिकल डैमेज होगा, मैकेनिकल डैमेज में क्या होगा, उसका इम्पेलर टूट सकता है या फिर उसका जो केसिंग का सरफेस है वो रुपड़ा हो सकता है या फिर बर्बाद हो सकता है। फिर कैविटेशन कैसे पहचानेंगे, तो अगर बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा, साउंड कर रहा,
या फिर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा नॉर्मल तो वाइब्रेशन हर जगह होगा पाइप में, उसमें घबराने की बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप काम किए होंगे तो, अगर खासकर जो अप्रेंटिस वाले वो लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा अगर नॉइज करता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, वो रोज के डेली रूटीन में लोग नोटिस कर देते हैं, तो उसके वजह से होता है। अब वाइब्रेशन या फिर नॉइज होने की वजह क्या है, तो उसमें जो एयर बबल है, जब नहीं बताते कि लिक्विड जो है फ्लैश करने लगता है, वेपन बनने लगता है, तो वही एयर बबल कोलैप्स करने मतलब एयर टूटने लगता है, तो उससे आवाज़ होने लगता है। और इस वजह से क्या होता है, जो पंप का जो हेड है जितना हाइट पे भेजना चाहिए था वो लॉस होने लगता है, और पंप का एफिशिएंसी भी घट जाता है इससे। और हम आगे बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे कैविटेशन हटाएं तो कैसे हटाएं। कैविटेशन मे बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीज इन शार्प बेंड ऑफ सक्शन लाइन। ठीक है, एंड गिविंग टू स्ट्रीम लाइन फ्लो। और एक और चीज है कि आप रिड्यूसिंग पंपिंग रेट, कैविटेशन को घटाना है तो क्या कर सकते हो, साफ वाइट बेंड है उसको आप घटा दीजिए, कहने का मतलब सक्शन लाइन में ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं कि ये आया और यहीं पे पंप लगा दी, मतलब ये आया और यहीं पर ऐसे पंप लगा दी, ये आपका मतलब पंप है ऐसे, ये जिससे लाते वहीं से डाल दस बनाए, तो ये तुरंत साफ बेंड हो गया, तो ऐसे नहीं करना। तो आप इस तरह से या रिफाइनरी में एयरपोम भी देखे होंगे, उस तरह से नहीं रहा जाता, रखा जाता है, तो ये आपको हटाना है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पंपिंग का रेट है बहुत ज़्यादा रेट उसमें मतलब फ्लो जा रहा है, उसको भी घटा सकते हैं, तब आपको कैविटेशन नहीं होगा। आप फिर जो फ्लो है उसको स्ट्रीम लाइन दे दीजिएगा, ना मतलब है कि ये आपका पाइप है, ये ऐसे गया और ये मतलब ऐसे जा रहा तो जा रहा जा रहा, ठीक है, ऐसे जा रहा जा, ये नहीं कि ऐसे ऐसे के भी ऐसे जा रहा जिस तरह से, तो स्ट्रीम लाइन देना है उसको आपको, कहने का मतलब अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो करने का मतलब ये होता है, ये पार्ट के लिए फ्लो ऐसे जा रहा है, तो इसमें जब हम उस परपेंडिकुलर डाले या फिर कोई लाइन डाले तो हमेशा जब नॉर्मल होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है, और उस पर जब भी आप नॉर्मल फोर्स या फिर कोई भी लाइन डालिएगा, ठीक है, तो वो हमेशा वो नॉर्मल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये हमेशा नॉर्मल चलेगा, ये जा रहा है ऐसे डालिएगा लाइन, ऐसे लाइन डालिएगा तो नॉर्मल, ये मतलब 90 डिग्री बनेगा, यानी कि दो स्ट्रीम लाइन जो है उसमें अगर कोई लाइन अगर हम खड़ा करते हैं आपकी रख देते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर बनता है तो वो स्ट्रीम लाइन हो जाता है। एक और तरीका है जो आप कैविटेशन होने से बचा सकते हैं, इसको ध्यान देते हैं, वो हम दूसरे में जब एनपीएसएस की बात करेंगे तो हम उसमें बात करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ जो सब्सक्राइब नहीं किए उसका व्यू ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। सो थैंक यू फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।